Which is starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture, in today's video, we are going to discuss the numericals of your chapter 11, that is current liabilities and payroll accounting. Fine. Exercise 11-1 will be skipped. हम 11-1 को नहीं discuss करेंगे. हम start करते हैं अपनी discussion from 11-2. ठीक है. अब यहाँ पे आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि सबसे पहला फैक्टर जो आपने चेक करना है कि हमने इस न्यूमेरिकल में करना क्या है, मतलब रिक्वायरमेंट को पहले पढ़ना है. बगैर इसके के सारी आप पूरे न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद आप कहें कि जी अब इसका क्या करना है, पहले आपने चेक करना है कि हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है. जो बात उन्होंने रिक्वायर की होगी उस हिसाब से हम डेटा एज इट इज़ हमें मिलता जाएगा. उन्होंने पहले ही कह दिया कि प्रिपेयर एनी नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री ऑन December 31, 2005. आपने December 31 की एडजस्टिंग एंट्री पास करके दिखानी है. योर कंपनी ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट ट्रांजेक्शन एंड ईवर. उन्होंने कहा हर सेपरेट, ये जो ट्रांजेक्शन है ये सेपरेट है, मतलब कोई इंटरलिंक नहीं है, कोई किसी दूसरे से लिंक नहीं कर रही है, हर एक्टिविटी अलहदा अलहदा है. आपने हर एक की एडजस्टिंग एंट्री पास करके दिखानी है. ड्यूरिंग दिसंबर योर कंपनी सोल्ड 3,000 यूनिट्स ऑफ product that carries a 60-day warranty. December sales for this product total 1,20,000. The company expect 8% of units to need a warranty repair. उन्होंने कहा कि आपने तकरीबन 3,000 यूनिट सेल की हैं जिसकी टोटल वर्थ कितनी है 1,20,000, जिसमें आपने 60-day की वारंटी दी थी और कंपनी expects that 8% of the unit to need a warranty repair. ठीक है. एंड इज एस्टिमेटेड दैट एवरेज रिपेयर कॉस्ट विल बी पर यूनिट विल बी $15. उन्होंने कहा जो 3,000 यूनिट्स हैं इनमें से 8% यूनिट्स ऐसे हैं कि जिसके ऊपर वारंटी आ सकती है. यानी अगर 3,000 यूनिट्स का 8% ले लें तो डेट विल बी $3,000. 3,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 100, सो 13 डिवाइड मल्टीप्लाई 8, It will be near about $240 units. ठीक है. आपको लग रहा है कि 3,000 यूनिट्स में से तकरीबन 240 यूनिट्स पे आपको वारंटी पे करनी पड़ेगी और हर यूनिट पे उन्होंने क्या कितने अमाउंट बताइए $15 पे करने पड़ेंगे. तो अगर आप इसे 240 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दें $15 पे तो तकरीबन $1,600 इज़ बेसिकली द टोटल अमाउंट ऑफ द वारंटी डेट मे अकर इन द फ्यूचर. यानी आपको फ्यूचर में हो सकता है कि जो आपने टोटल प्रोडक्ट 1,20,000 की सेल की है, $1,20,000 में से $3,600 की आपको क्या करनी पड़े वारंटी पे करनी पड़े. अब हमने यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है तो हमने क्या एंट्री पास करनी है, एस्टिमेटेड वारंटी एक्सपेंस. यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एब्रीवेशन यूज़ कर रहा हूँ, बट इन द पेपर यू विल हैव टू यूज़ द इंटायर वर्ड. आपने कहीं पे भी ये एब्रीवेशन यूज़ नहीं करनी. ई फॉर एस्टिमेटेड, डब्ल्यू फॉर वारंटी, ई फॉर एक्सपेंस. तो हमने एस्टिमेटेड वारंटी एक्सपेंस कितने का आ गया, 3,600 से हम अपने एक्सपेंसिस को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. एंड एस्टिमेटेड वारंटी पेएबल, हमारी लाइबिलिटी किससे बढ़ गई, $3,600 से हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है. ठीक हो गया. इसके बाद ही हमारी अभी ट्रांजेक्शन नंबर 1 हुई है. ठीक हो गया. उसके बाद कहते हैं आर डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉय इन द इज सुइंग योर कंपनी लीगल एडवाइजर्स बिलीव डेट अ कंपनी विल प्रॉबेबली नीड टू पे डैमेजेस बट द अमाउंट कैन नॉट बी रीजनेबली एस्टिमेटेड. ऑलवेज रिमेंबर डैट इफ यू विल नॉट, वेन एवर यू विल नॉट बी इन अ सिचुएशन टू एस्टिमेट एन अमाउंट, तो वहाँ पे एंट्री पास नहीं कर सकते. जब आप किसी चीज़ को एस्टिमेट ही नहीं कर सकते तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे. और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि देर वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, योर कंपनी का कोई एम्प्लॉय था जो कंपनी को सू कर रहा है, लीगल नोटिस भेज रहा है और आपके जो कंपनी के एक्सपर्ट्स हैं दे आर सेइंग कि द कंपनी मे हैव टू फेस अ डैमेज और विल हैव टू पे अ सर्टन डैमेज. अब उन्होंने कहा कि कंपनी को शायद कोई नुकसान हो और उस पर उन्हें कोई अमाउंट पे करनी पड़ जाए, लेकिन आज हम ये एक्सपेक्ट नहीं, हम आइडिया एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि वट विल बी द अमाउंट ऑफ दैट एक्सपेंस या कितनी हमें डैमेज पे करना पड़ेगा, उसका हमें कोई आइडिया नहीं है. तो हम इस बात को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं. अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने कहा था नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री, जो हम कोई चीज़ एस्टिमेट ही नहीं कर सकते तो उसकी एंट्री हम क्या पास करें. तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि वी विल नॉट बी एबल टू एस्टिमेट द अमाउंट, सो द एंट्री विल नॉट बी रिक्वायर्ड. यहाँ पे एंट्री पास नहीं हो सकती. उसके बाद देखें, एम्प्लॉय अर्न द वेकेशन पे एट अ रेट ऑफ 1 day पर मंथ. एम्प्लॉयज अर्न हासिल करते हैं वेकेशन पे एट द रेट ऑफ 1 day पर मंथ. आपके एक दिन की सैलरी उन्हें मिलती है
एज एन वेकेशन बेनिफिट ड्यूरिंग दिसंबर 20 एम्प्लॉयज़ क्वालिफाई फॉर वन वेकेशन डे ईच। उन्होंने कहा 20 एम्प्लॉयज़ आपको 20 एम्प्लॉयज़ ने क्वालिफाई किया है कि वो आप इस चीज़ को अपने जो वेकेशन बेनिफिट है उसे इंजॉय कर सकें, और हर एम्प्लॉय के ऊपर $120 आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। $120 पर एम्प्लॉय आपको वेकेशन बेनिफिट देने पड़ेंगे। और कितने एम्प्लॉयज़ ने क्वालिफाई किया? 20 एम्प्लॉयज़ ने। तो 20 एम्प्लॉयज़ को $120 अगर हम पे करें तो टोटल अमाउंट कितनी आती है? नियर अबाउट $2,400 आती है। क्या हमने उन्हें अमाउंट पे कर दिया? डेफिनेटली नो, हमने तो अभी तक बात नहीं की, हमने सिर्फ एस्टिमेट किया कि अगर 20 एम्प्लॉयज़ क्वालिफाई कर रहे हैं और $120 पर एम्प्लॉय हमें वेकेशन बेनिफिट देना पड़ रहा है तो टोटल अमाउंट ऑफ वेकेशन बेनिफिट क्या आएगा? 2400, क्योंकि अभी हमने पे नहीं की, हम सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हैं। इट इज़ बेसिकली इंक्रीजिंग द लाइबिलिटी, हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर क्या आएगी? वेकेशन बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट विथ $2,400 एंड वेकेशन बेनिफिट्स पेबल क्रेडिट विथ $2,400। बस ये आपकी ये एक्सपेंस भी बढ़ गए और ये वाली लाइबिलिटी भी आपकी बढ़ गई, ठीक हो गया। ये आपकी रिक्वायरमेंट नंबर या जो स्टेटमेंट नंबर 3 है। स्टेटमेंट नंबर 2 पे हम बात कर चुके हैं, देयर विल बी नो एडजस्टिंग एंट्री, आपकी कोई एडजस्टिंग एंट्री पास नहीं होगी, ठीक हो गया। 3 हमारी हो गई बात, अब उसके आते हैं अगली बात के। योर कंपनी गारंटीज अ 5,000 डेट ऑफ अ सप्लायर, हमने गारंटी दी है। ऑलवेज़ रिमेंबर डेट द गारंटी इज़ अ वर्बल स्टेटमेंट। हम किसी को कहें हम आपको 1,00,000 रुपए की गारंटी देते हैं, इसका मतलब है देर इज़ नो वर्बल, देर इज़ ओनली अ वर्बल कमिटमेंट। हमने थ्रेटिकली सॉरी डॉक्यूमेंटेड कोई एविडेंस या डॉक्यूमेंटेड कोई सपोर्ट क्रिएट नहीं की, देर इज़ नो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर वर्ड। तो गारंटी दी है 5,000 डेट ऑफ अ सप्लायर, द सप्लायर विल प्रोबेबली नॉट डिफॉल्ट ऑन द डेट। तो मेरी बात याद रखिएगा, जहाँ पे वारंटी का जिक्र आएगा, अगर यही चीज़ यहाँ पे कंपनी वारंटी द 5,000 डेट, तो फिर हम यहाँ पे अपनी वारंटी लाइबिलिटी बढ़ा लेते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने गारंटी का जिक्र किया तो देर इज़ नो अमाउंट डेट यू हैव टू पे ऑन द गारंटी, तो आप यहाँ पे 5,000 पे कोई भी अमाउंट पे नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एडजस्टिंग एंट्री कोई भी रिक्वायर नहीं होगी। उसके बाद देखें, योर कंपनी रिकॉर्ड एन एडजस्टिंग एंट्री ऑफ 20,00,000 ऑफ प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड कैश सेल कॉस्टिंग $1,00,000 एंड इज सेल टैक्स पेबल 5%। हमारी कोई पिछली कोई सेल हमने की थी $20,00,000 की, उसका 5% हमने सेल टैक्स देना है। अब हमने, मैं आपको रिकॉल करूं, हमने चैप्टर जब स्टार्ट किया था तब हमने बात की थी कि जो भी सेल टैक्स की अमाउंट होगी वो आप कस्टमर से हासिल करेंगे। तो 20,00,000 का 5% अगर आप निकालें तो तकरीबन वो 1,00,000 आता है। अब आपने टोटल जो कैश कलेक्ट करने कस्टमर से वो 20,00,000 ये वाला उसकी अमाउंट है और 1,00,000 का सेल टैक्स है। तो 21,00,000 का आपने क्या करना है? अपना सेल टैक्स सॉरी कैश कलेक्ट करने, सेल टैक्स की लाइबिलिटी आपका 1,00,000 से बनेगी क्योंकि आप 5% उनसे ले रहे हैं, और 20,00,000 से आपके क्या आ जाएगी? सेल्स आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। 2,000,000 इज़ बेसिकली द टोटल अमाउंट, जिसका 5% अगर हम निकालें तो डेट विल बी $1,00,000। ये हमारे पास अमाउंट क्या आ रही है? ये आपके पास सेल टैक्स आ रहा है, अच्छा, और 20,00,000 हमारे पास क्या आ रहा है? ये $20,00,000 क्या आ रहा है आपके पास? ये आपके पास सेल्स आ रही हैं। तो आप कस्टमर से पैसे कितने कलेक्ट करेंगे? 20,00,000 एंड 1,00,000। तो आपके पास एंट्री क्या पास होगी? कैश डेबिट विथ 21,00,000, सेल्स क्रेडिट विथ 20,00,000 एंड सेल्स टैक्स पेबल क्रेडिट विद $1,00,000, ठीक हो गया। ये आपके पास ये वाली एंट्री आ गई, ठीक हो गया। इसके बाद देखें, द कंपनी अर्न 40,000 ऑफ $1,00,000 प्रीवियसली रिसीव्ड इन एडवांस फॉर सर्विसेज। अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद रखें कि ऊपर उन्होंने हमें कॉस्टिंग की $1,00,000 अलग से दिए हैं, तो यहाँ पे हमने जब बात की है कि कॉस्टिंग के ऊपर हमें एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी होगी, तो यहाँ पे CGS डेबिट एंड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट विद $1,00,000
एंड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री विद 10 लाख डॉलर। ये बात हमारी कंप्लीट हो गई। अच्छा, इसके बाद हमें और बात क्या करनी है, उन्होंने कहा है कि आपने अर्न कर लिए 1 लाख डॉलर प्रीवियसली रिसीव्ड इन एडवांस, आपने कोई प्रीवियस 1 लाख डॉलर किसी कस्टमर से लिए थे, उसमें से आज आपने 40,000 डॉलर क्या है अर्न कर रही हैं। अब यहाँ पे मैं रिकॉल कराऊँ कि जब हम एडवांस में पेमेंट लेते हैं तो कैश आपका 1 लाख डॉलर से क्या हो गया होगा, ये प्रीवियस हुआ होगा। अभी हम इसके इसमें सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जब आपने कस्टमर से 1 लाख डॉलर लिए होंगे तो कैश आपका 1 लाख डॉलर से क्या हो गया होगा, डेबिट हो गया होगा। और अन अर्न रेवेन्यू किससे बन गया होगा, यानी लाइबिलिटी किससे बढ़ गई होगी, 1 लाख डॉलर से लाइबिलिटी भी बढ़ गई होगी। अब क्योंकि हमने इसकी एंट्री पास करनी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40,000, क्योंकि हमने अर्न कर लिए हैं तो हम यहाँ पे करेंगे कि जो क्योंकि अर्निंग हो गई है तो आपकी लाइबिलिटी अर्न रेवेन्यू की जो लाइबिलिटी पहले बढ़ी हुई थी उसमें अब 40,000 से क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अर्न रेवेन्यू डेबिट विथ $40,000 एंड रेवेन्यू अर्नड विद $40,000। ठीक है, अब ये वाली बात हमारी कंप्लीट हो गई, ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है 11-3, इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।